हाफवे डाउन की तरफ है। ये रास्ता एक लिंक है रेणुका जी, ददाहू और पावटा साहब के बीच का एक लिंक। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल रूट है, बड़ा जो पॉपुलर रूट है, कम से कम रेणुका जी से कोई 50-55 किलोमीटर आगे जाकर नाहन और नाहन से फिर जाता है। लेकिन ये बीच में एक शॉर्टकट है एक तरीके का, ये विलेजर्स यूज़ करते हैं इसके लिए। छोटा रास्ता है इसीलिए बना हुआ नहीं है इतना पॉपुलर नाम देख कर, बट इट इज़ नॉट सो बैड। इसमें 10-15-20 की स्पीड से गाड़ी आराम से जा रही है, पर इसकी एक ब्यूटी है। अब जैसे डाउन हिल जा रहा है, डाउन हिल अगर देखें तो इस वक्त गाड़ी का एवरेज अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरेकुलस चमत्कारिक रूप से इस वक्त जो एवरेज दिखा रहा है ये 45-47 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से दिखा रहा है डाउन हिल। तो ये कमाल की बात है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि डाउन हिल पे बिल्कुल फ्यूम से ही चल जा रही है। फ्यूल नहीं चाहिए, इसे फ्यूम चाहिए। देखिए एवरेज 47.7 एवरेज किलोमीटर पर लीटर है ना कमाल। और जब चढ़ रही थी तो ये दे रही थी 7 का एवरेज। ये इसकी ब्यूटी है। इस मामले में ये इको स्पोर्ट्स कमाल की गाड़ी लगी, मतलब कमाल है। नीचे उतरते हुए एकदम सूंघ कर चलती है, जैसे फ्यूल लेती नहीं है, बस सूंघ कर ही चल रही है। 45-47 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मायने रखता है। और स्टीप क्लाइंब पे जहाँ फर्स्ट गियर चल रहा था, फर्स्ट गियर में ये चल रही थी 7 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, और अभी भी जो गियर है वो सेकंड ही है। लेकिन सेकंड गियर में क्योंकि इसमें लोड नहीं आ रहा और बिना लोड के ये इतना बढ़िया एवरेज दिखा रही है डाउन आते हुए, ऐसे तो मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी। पहले भी कई गाड़ी रही हैं, इतना शानदार एवरेज तो नहीं दिखाया उन्होंने कभी, लेकिन ये कमाल है इसका। इसके जो फ्यूल गवर्नर हैं वो कमाल के हैं, गजब की टेक्नोलॉजी है। और दुखद बात यह है कि इस गाड़ी को, इसकी गाड़ी की कंपनी ने सब कुछ बंद कर दिया। कारोबार यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी गंदी रही, उसके कारण इस कंपनी को अपना सारा कारोबार समेटना पड़ा। हमारे कहना नहीं चाहिए, बुरा लगेगा बहुत से लोगों को, पर ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसे बहुत मोटे पैसे चाहिए हर व्यापारी से। हमारा दुर्भाग्य है ये कि आज की जो सरकार है उसे हमारे भारत की जनता झेल रही है, और कुछ लोगों को झेलना समझ ही नहीं आ रहा है आश्चर्यजनक रूप से, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ये बात समझ नहीं है।
मैं इस देश का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते जो मुझे दिखाई देता है वो मैं बात करता हूँ। इस रास्ते की जितनी तारीफ की जाए कम है, टूटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसकी सराउंडिंग है पूरा जंगल से होकर गुजरना है। और सबसे अच्छी बात, ट्रैफिक नहीं है, नो ट्रैफिक, एक आध गाड़ी है कोई गुजर रही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, पूरा थिक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। पर चल रहे होते हैं तो कभी घिरे होते हैं हम उससे, जंगल से बड़े वृक्षों से घिरा हुआ हम दिखाई देते हैं। सड़क थोड़ी अच्छी हो गई है और अभी ये प्रकट हुई है, ये पट्टियाँ, सफ़ेद पट्टी जो दोनों तरफ होती है सड़क के, अभी हुई प्रकट हुई है। तो अभी ये रास्ता लगता है कि टूटा फूटा नहीं रहेगा आगे, इससे जाहिर हो रहा है। साइलेंट हो गई है गाड़ी, बिल्कुल ही आवाज ही नहीं आ रही है। फिर थोड़ी थोड़ी इस वक्त शुरू हो गई, कभी सही कभी टूटी, फिर सही हुई तब फिर गया, फिर खड़ा नहीं लगी। इस वक्त 42 का दिखा रही है, लगता है कोई गांव है ही। घर पर दिखाई दे रहे हैं हम, और ये नीचे उतर भी गया है रास्ता, जैसा टच आ रहा है यहाँ पर। पता नहीं कौन सा गांव है, सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है ये सब। हालांकि सिरमौर में तो रेणुका जी नहीं है, सिरमौर एक बहुत बड़ा रीजन है। यह है रामपुर भारापुर, अभी बोर्ड लगा देखा कि रामपुर भारापुर में पधारने के लिए धन्यवाद। सुंदर जगह है ये, अब यहाँ से लेफ्ट में NH7 चालू होने वाला है, रोड उधर ही कट रहा है।
से गाड़ी आ रही है NS7 पे। अब ये मेन हाईवे है जो सीधा नाहन से आ रहा है पोटा साहब जाने के लिए। चले ये गाड़ी 70-80 की सुंदर जगह है। दोनों तरफ ब्रिज के इस साइड ये रिवर है, अभी ड्राई है रिवर,